नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों आज रिव्यू करेंगे सोनाली का टाइगर डी आई पचपन का इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रैक्टर का पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसके सभी फीचर्स बताऊंगा टाइगर सीरीज़ में आप 26 एच से लेकर साठ एच तक के ट्रैक्टर ले सकते हो तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में इंजन तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ से ये बटन जो है प्रेस करके बोनट खोलना होगा एक हाथ से जो है आप इसे बटन प्रेस करके ईजिली खोल सकते हो इसके अंदर कंपनी ने चार हजार सता सी सी का इंजन दिया है बहुत ही बड़ा इंजन है अपने सेगमेंट में पचपन एच पी सेगमेंट में बड़े इंजन का फायदा यह है कि आपको ज़्यादा पावर मिलती है कम आर पी एम पर और कम आर पी एम का फायदा यह है कि आपके ट्रैक्टर के इंजन की घिसाई कम से कम होती है जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है चार सिलेंडर इंजन है पचपन एच पी का और इनलाइन पंप दिया है माइको का और इंजन का जो टोर्क है वो है दो सौ तीस न्यूट्रन मीटर का और ये नेचुरली एक्सप्रेटेड इंजन है ड्राई एयर क्लीनर के साथ में इसका सेंसर आपको जो है ड्राइविंग सीट पर वहीं पर इंस्ट्रूमेंट पैनल में दिखाई देगा जब ये एयर क्लीनर चौक हो जाता है आप ईजीली इसे खोल कर साफ कर सकते हो और फ्रंट में यहाँ पे दोस्त इसकी बैटरी दी है फ्रंट में बैटरी होने के दो फायदे हैं एक तो जो है इसका मेंटेनेंस जो है बहुत ही इजी हो जाता है आप जल्दी एक्सेस कर सकते हो बैटरी को बोनिट खोल कर दूसरा फायदा है ये है कि ट्रैक्टर का जो है वेट बढ़ता है फ्रंट लिफ्टिंग कम से कम होती है अगर उसके बाद भी ट्रैक्टर आगे से उठता है तो आप जारी कैन वेट लगा सकते हो ये कंपनी ने वेट स्टैक दिया है फ्रंट में और एक सबसे खास बात यह है दोस्तों इस ट्रैक्टर में कि इसमें आपको टेन डैम गेयर पम्प नहीं मिलेगा टेन डैम गेयर पम्प में ये दिक्कत थी कि अगर वो पंप ख़राब हो जाता था तो पूरा का पूरा पंप बदलना पड़ता था इसका हाइड्रोलिक पंप अलग है इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक पंप दिया है इसके अंदर और ये रहा इसका ए सिस्टम एग्जोस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम दिया है इसमें कंपनी ने एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पे ये कूलेंट की बोतल दी है आपको इसमें बार बार कूलेंट डालने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो पावर स्टेरिंग का ऑयल है ये देखिए यहाँ पर दिया है मैं आपको इधर से दिखाता हूँ मतलब कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं अभी अभी भी मतलब ट्रांसमिशन के साथ में कॉमन कर देती है जिससे पावर स्टेरिंग की लाइफ कम होती है तो इसमें आपको अलग से मिला पावर स्टेरिंग का ऑयल इससे पावर स्टेरिंग की लाइफ बढ़ती है अब बात करते हैं इसके फ्रंट एक्सल की इसमें आपको स्ट्रेट फ्रंट एक्सल मिला कुछ ट्रैक्टरों में बो टाइप भी आते हैं लेकिन बो टाइप फ्रंट एक्सल जो है इतना मजबूत नहीं होता जितना मजबूत तो स्ट्रेट एक्सल होता है और ये टेलीस्कोपिक है आप इसे अंदर बार एडजस्ट कर सकते हो एडजस्टेबल एक्सल भी इसे बोलते हैं अपनी फसल के अनुसार जैसी आपकी फसल है अगर आपको फ्रंट ट्रैक की चौड़ाई बढ़ानी है तो आप इजीली बढ़ा सकते हो कुछ कंपनियां ने ये देना बंद कर दिया है अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन क्लच और ब्रेक की इसमें आपको ड्यूअल क्लच मिलागा अगर आप चाहो तो इसमें डबल क्लच भी ले सकते हो क्लच के मामले में ये चीज़ आपको बहुत ही कम ट्रैक्टरों में मिलेगी या शायद नहीं मिलेगी जिसमें कि आपको ड्यूअल क्लच का ऑप्शन भी है और डबल क्लच भी मानो आपके पी टी ओ पर कोई हल्के इम्प्लीमेंट चलाने तो आप ड्यूअल क्लच भी ले सकते हो और पी टी ओ में कुछ भारी इम्प्लीमेंट चला रहे हो अगर डबल क्लच लाना चाहते हो तो डबल भी आप ले सकते हो ये इसका ट्रांसमिशन का यहाँ पर हाई लो मीडियम का लीवर दिया है स्पीड शिफ्टर और ये इधरली साइड में है इसका रेंज शिफ्टर लीवर इसमें आपको चार फॉरवर्ड के गियर मिलेंगे रिवर्स के गियर की जो बैजिंग है वो यहाँ पे है नहीं वो आप सुपर सु, शटल से ऑपरेट कर सकते हो इसमें आपको टोटल 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स स्पीड मिलेंगे कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स दिया है कंपनी ने साइड शिफ्ट और ये है इसका यहाँ पे सुपर शटल का लीवर और पी का लीवर यहाँ पर दिया है इसका ये जो है डिवाल क्लच मॉडल है और इस पर मैंसन किया है कंपनी ने पीटीओ के आर पे मिला गया आपको पाँच और आपको इसमें रिवर्स पी भी मिलागा और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल ये डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन दिया है कंपनी ने ये जो है आपका घंटे बताएगा और ये आपका आरपीएम बताएगा इंजन के और ये है आपका फ्यूल गेज यहाँ पे और ये साइड में आपका टेम्परेचर गेज बाकी के अलर्ट जो हैं आपको वो आइकन में दिखाई देंगे अब बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिक की ये यहाँ पर दो लीवर दिए हैं ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजिशन कंट्रोल ए हाइड्रोलिक दी है ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल और जो हाइड्रोलिक की लिफ्ट कैपेसिटी है वो है 2000 हज़ार के जी की मतलब कि आप 20 क्विंटल तक का वजन इस पर उठा सकते हो और ये यहाँ पे डी सी वी वाल्व का लीवर दिया है जैसे कि आप हाइड्रोलिक इम्प्लीमेंट चलाते हो रिवर्सेबल एम बी पलो या हाइड्रोलिक है उसके लिए आपको लीवर यहाँ पे मिलेगा अब बात करते हैं इसके टायरों की दोस्तों फ्रंट टायरों में साइज ऑप्शन आपको बहुत ही कम ट्रैक्टरों में देखने को मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे ये जो टायर है सात पचास सोलह का टायर दिया है कंपनी ने अगर आप इसमें छः पाँच बीस का टायर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो और इसके रियर टायर का साइज़ है सोलह नौ अट्ठाइस और इसमें आपको कंपनी फिटेड वेट भी मिलेंगे चौंतीस चौंतीस किलो की दो प्लेट मिलेंगी आपको इसमें टोटल दोनों साइड में मिला के अड़सठ किलो वजन मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से ताकि पिछले पहियों का जो ट्रैक्शन है वो बढ़ाया जा सके जिससे कि आप हैवी से हैवी इम्प्लीमेंट के साथ में आसानी से कार्य कर सको अब बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिक की इसकी हाइड्रोलिक पे आप 2000 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हो यानी कि 20 क्विंटल तक का वज़न आप इस पे उठा सकते हो और इसकी जो हाइड्रोलिक का पंप है वो इंडिपेंडेंट पंप दिया है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और ये यहाँ पर हिच दिया है मल्टी पोजिशन हिच आप अपनी ट्रोली जो है ऊपर नीचे करके ये हिच मतलब इसमें आपको मल्टीपल सेटिंग मिलेगी ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट किसी भी पोजीशन पर एडजस्ट करके आप अपनी ट्रोली को अटैच कर सकते हो थ्री होल बैल क्रैंक दिया है कंपनी ने बेटर से बेटर से सेंसिंग के लिए ताकि हर एक इम्प्लीमेंट के लिए आप सही स्थिति का चुनाव कर सको और ये टॉप लिंक मिलागा आपको इसमें एसओ सीरीज में और ये दिए हैं यहाँ पे दो स्पूल वाल्व ये कंपनी फिटेड है आपको कंपनी की तरफ से मिलेंगे अब बात करते हैं इसके स्टेरिंग की इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टेरिंग मिलागा इसे बैलेंस टाइप पावर स्टेरिंग भी बोलते हैं इससे दोनों टायरों पर जो है समान दबाव लगता है और सिंगल एक्टिंग के कंपैरिजन में इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है और दोस्तों इसके अंदर कंपनी ने पैंसठ लीटर का फ्यूल टैंक दिया है लोकिंग के साथ और आप इसकी हेडलाइट देख सकते हो दो लाइट आपको ऊपर मिलेगी दो निचली साइड में हेलोजन लाइट दी है इसे बोलते हैं ट्विन बैरल हैड लैंप और सुपर लक्स डी के साथ ये जो साइड में डी लग रहे हैं और इस ट्रैक्टर का जो सर्विस इंटरवल है वो 500 घंटे का है 500 घंटे तक आप इसको बेफिक्र होकर चला सकते हो और इसके अंदर आपको स्काई स्मार्ट भी मिलता है आप अपने घर पे बैठे अपने ट्रैक्टर को ट्रैक कर सकते हो तो ये था दोस्तों सोनाली का टाइगर डी आई का रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो धन्यवाद